गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये आज जो है हमारी लास्ट मॉर्निंग है यहाँ पर, फिर कल हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मेरी भाभी जी है, यहाँ पे पीछे रहते हैं, उनसे मैं बात कर रही हूँ। और आगे जा कर के देखिए एक डॉगी है जो कि पोलर के जैसे दिखता है, बहुत ही क्यूट। ये किसका बच्चा है? क्यूटू सा। नहीं बाबो नहीं करनी, बाबो नहीं, कितना क्यूटू सा है, चला गया। अच्छा। और ये वाला जो डॉग है ना, ये रोज रास्ते में हमें मिलता है। वैसे किसी के घर में ही रहता है ये, लेकिन ये भी मॉर्निंग में उस साइड आता है। तो रोज देखिए कितना प्यार मांगते हैं ये ना इनको। मुझे लगता है खाने से ज्यादा इनको ना प्यार चाहिए। इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अगर हम लोग इनसे प्यार से बात करते हैं तो। और ये पहचान भी जाते हैं कि कौन इनसे अच्छे से बात करेगा, तो वो खुद उनके पास प्यार लेने के लिए आते हैं। फ्रेंड्स, अभी इवनिंग टाइम है और आज हम बना रहे हैं डिनर के लिए पत्तरोड़े। तो ये इसके लिए बैटर बना दिया है और ये यहाँ पे रखे हैं पत्ते अरबी के, और ये अब हम बनाने जा रहे हैं। और यहाँ देखो फैन चलाया है और ये लोग नीचे। फ्रेंड्स, अभी इवनिंग टाइम हो रहा है, इवनिंग क्या बहुत टाइम हो गया, 7 o'clock हो गए। और देखो कितना प्लेजेंट वेदर लग रहा है, अभी हवा चल रही है। आज मैं दोपहर से बोल रही थी ना कि बादल है, बट अभी बारिश नहीं हुई है, लेकिन बहुत अच्छी हवा चल रही है। बारिश शायद रात तक आएगी और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे जब बारिश आती है तो। और ओले भी साथ में गिरते हैं। और दिखा आपको मैं पोलर दिखाती हूँ क्या कर रहा है। पोलर वहाँ पर सब लोगों के बीच में बैठा है। चलो चलो दिखाती नजारे हैं। पोलर की वीडियो बनाने आई हूँ, पोलर की। तो यहाँ पे पोलर ना बड़े प्यार से सबके बीच में बैठा था, तो मैंने सोचा मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ, तो ये मुझे देख के उठ के मेरे पास ही आ गया। एक्चुअली वैसे ये ज़्यादा लोगों के साथ मिक्स नहीं होता, लेकिन यहाँ पे गांव में ऐसे दिखता है कि उसको ओपन छोड़ा हुआ है, तो ज़्यादा किसी के साथ मतलब वो नहीं कर रहा था, थोड़ा एग्रेसिव नहीं हो रहा था, काम रह रहा था, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाती हूँ, तो ये मुझे मिलने आ गया। और देखिए यहाँ पे चेयर देख रहा है, एक्चुअली इसको चेयर पे बैठना अच्छा लगता है, तो सोच रहा होगा कि मैं चेयर पे बैठ जाता हूँ। और ये जो सामने घर है ये मेरे भैया भाभी लगते हैं, तो मैंने सोचा मैं इनकी टेरेस पे जाके आती हूँ। इवनिंग में बहुत ही अच्छा लगता है और इनके घर से बड़ा अच्छा सा व्यू आता है ऊपर पहाड़ों का। मुझे इतने दिन हो गए थे आए हुए ना, मैं इनकी छत पे गई नहीं, दिमाग में ही नहीं आया, मुझे टाइम भी नहीं मिलता है ना, कभी कहाँ चले जा रहे थे कभी कहाँ, तो ऐसे ही। तो देखिए यहाँ से कितना ब्यूटीफुल लगता है। और यहाँ पे पास में ही ना एक भाई की बेटी रहती है छोटी सी, उसे ना बड़ा शौक है जैसे रील्स वगैरह बनाने का, तो विनोद ने उसे प्रॉमिस किया था कि तेरी रील बनवाऊंगा बुआ के साथ। अरण्या बहुत क्यूट है ना, और पोलर को बहुत मजे आ रहे हैं। और देखो यहाँ पे कितने सारे केले लगे हैं भाई, ये देखो पकने भी लग गए। पोलर सोच रहे मैं कहाँ भागूं कहाँ जाऊं, इतना इसको अच्छा लग रहा है। और देखिए विनोद को बच्चे इतने पसंद है ना, मतलब जहाँ भी जाते हैं तो सबसे पहले इनके जो मतलब बच्चे जो है ना वो फ्रेंड्स बन जाते हैं विनोद के। ये अरण्या भाई हमारे गांव की सबसे प्यारी बेटी है ये, है ना अरण्या? ऐसे से कर दे, हेलो तो करो। हाय अरण्या। अच्छा आज अरण्या को गुस्सा क्यों आया था, आज नाराज क्यों थी, क्यों क्यों नाराज थी? गाय छोड़ना नहीं है, गाय खेतों में छोड़ने के लिए भेजा था तो उसको पसंद नहीं है, तो बड़ी दुखी हो रही थी। तो फिर मैंने इसकी मम्मा को गुस्सा किया कि आज के बाद अरण्या को नहीं भेजना है, आजकल वो जानवरों को भेज रहे हैं ना खेतों में चरने के लिए, तो फिर आज अरण्या की ड्यूटी लगाई थी कि तू छोड़ के गाय को। ये हमारे पत्तरोड़े रेडी हो गया, अभी तो और है, ये थोड़े से हमने निकाल लिए क्योंकि आधे हम फ्राई करके भी बनाते हैं जैसे। चलो तो अभी हम बैठ के खाएंगे, ये हम बॉईल स्टीम करके बनाया और बाकी जो है वो फ्राई करेंगे जो बाकी बचे। तो ये यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है और यहाँ पे हम लोग आज वापस जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, मम्मी को छोड़ के जाना बहुत ही बुरा लगता है। और जब मैं आती हूँ ना यहाँ तो मुझे ये वाले दिन की ज़्यादा फिक्र होती है कि आने की एक्साइटमेंट से ज़्यादा मुझे वापस जाने का दुख लगता है कि मैं तो कितने की दिनों के लिए जा रही हूँ और
फिर से मुझे वापस जाना, तो मैं मम्मी को कैसे छोड़ के आऊँगी। तो मैं मम्मी को पहले ही समझा देती हूँ कि मम्मी प्लीज़ बिल्कुल भी दुखी मत होना और इमोशनल नहीं होना, और मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मम्मी के सामने बिल्कुल इमोशनल ना हूँ। तो फ्रेंड्स, लड़की बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत कुछ होता है जो उन्हें अपने दिल में ही रखना होता है।